देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी दूसरी बार सत्ता में लगातार आई है और आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू किया गया। पहले दिन ये जो सत्र रहा ये काफ़ी हंगामेदार रहा। कई बार ऐसा भी लगा कि कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जिस तरह से विपक्षियों ने राज्यपाल का विरोध किया, उनके अभिभाषण का विरोध किया, सरकार का विरोध किया, उस पर ये सोचना समझना और जानना ज़रूरी है कि क्या आखिर इस तरह के विरोध से कौन सा रास्ता तलाशने की कोशिश की जा रही है। आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मुद्दे कई हैं आज के इस सत्र से, क्योंकि आज आजम खान भी जेल से रिहा होने के बाद विधानसभा पहुंचे थे। आजम खान जिनको लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं पहले से ही चल रही थी और आजम खान के साथ साथ उत्तर प्रदेश का विपक्ष आज एक बार विधानसभा में एक साथ दिखा, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी की। उस दौरान नारेबाजी हुई जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था। राज्यपाल जो अभिभाषण पढ़ती हैं वो उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी सरकार के 5 सालों का कार्यकाल बताया जाता है उस अभिभाषण में, और आज भी कुछ इसी तरह से हो रहा था कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल का जो लेखा जोखा था वो विपक्ष और जनता के सामने पेश कर रही थी। वो ये बता रही थी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया, कौन कौन सी वो प्रमुख योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता उठा रही है। एक तरफ लगातार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपना अभिभाषण दे रही थी तो दूसरी तरफ शुरुआत से ही जो विपक्षी नेता हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं, वो लगातार इस पूरे अभिभाषण का विरोध कर रहे थे। एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ अभिभाषण, लगातार ये कार्रवाई चलती रही और अंत में कल 11 बजे तक के लिए इस सत्र को स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसके बीच में अगर देखा जाए तो आज आजम खान भी विधानसभा पहुंचे थे। उम्मीद सबको थी कि आजम खान आएंगे सत्र में, विपक्ष की कार्रवाई के बीच में कार्रवाइयों के साथ और विपक्ष के साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव इस वक्त विधानसभा में मौजूद थे और जब समाजवादी पार्टी के विधायक या बसपा के विधायक या विधान परिषद के सदस्य विरोध कर रहे थे तो उस दौरान अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे। आजम खान की अगर बात करी जाए तो आजम खान कल रात में 10 बजे ही रामपुर से चल चुके थे और आज सुबेरे वो जब लखनऊ पहुंचे थे, या फिर बताया जा रहा है कि वो रात में ही लखनऊ पहुंच गए थे और उसके बाद दारुल शफा स्थित अपने आवास में उन्होंने रात बिताई थी। सुबेरे 10:10 पर वो जो विधानसभा का गेट नंबर 7 है वहां से उन्होंने एंट्री की और एंट्री करते ही वो पोर्टिको से होते हुए लिफ्ट तक पहुंचे और उस दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन आजम खान काफी नाराज वहां पर दिखाई दिए। आजम खान से कुछ नोकझोंक, कुछ बातचीत भी हुई और उसके बाद उन विधायकों ने आजम खान को मनाने के लिए लिफ्ट का सहारा ले लिया और आजम खान के साथ साथ लिफ्ट में चले गए। लेकिन लिफ्ट से निकलने के बाद आजम खान और उनके बेटे सीधे सतीश महाना के कमरे में गए जहां पर उन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के बाद जब वो वहां से निकले तो सबको ये उम्मीद थी कि आजम खान समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय विधानसभा में बना हुआ है वहां पर जाएंगे और वहां पर जाने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि उस दौरान उनके साथ 14-15 विधायक समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के थे तो ऐसा लगा कि चलो कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आजम खान कार्यालय में नहीं गए। आजम खान सीधे मंडप में गए जहां पर विधानसभा की कार्रवाई होती है, वहां पर अपनी कुर्सी के पास गए। कुर्सी के पास उन्होंने थोड़ा समय बिताया 10-15 का और उसके बाद वो पीछे के रास्ते से विधानसभा से बाहर चले गए। तो आखिर आजम खान बाहर क्यों चले गए, ये भी एक सवाल बनता है। और आजम खान के जाने के 10-15 बाद अखिलेश यादव सदन में पहुंचे, ये तो बात हो गई आजम खान की। लेकिन आज की शुरुआती कार्रवाई के दौरान ये साफ तौर पर देखा गया कि जब एक तरफ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरकार के बीते 5 सालों का कार्यकाल बता रही थी, ये बता रही थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे काम करी है, क्योंकि ये जो अभिभाषण होता है ये उत्तर प्रदेश या फिर जो भी प्रदेश की सरकार होती है उस प्रदेश की सरकार की तरफ से ही राज्यपाल को दिया जाता है और वही अभिभाषण राज्यपाल की तरफ से पढ़ा जाता है, और उसी अभिभाषण के दौरान आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।
विपक्ष का हंगामा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के था, विपक्ष का हंगामा उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के था, और इस हंगामे के बीच में विपक्षियों ने यह भी कहा गवर्नर गो बैक। ये कितना सही है। इन सब विषयों पर हमें चर्चा करनी बहुत जरूरी है कि आखिर पहले दिन की कार्रवाई तो हमने और आपने देख ली कि पहले दिन क्या क्या हुआ। आजम खान भी आए, उसके बाद जिस तरह से सदन के अंदर जो बिल है वहां पर भी जो मौजूदा विपक्ष के नेता हैं उन्होंने आकर के विरोध किया, तो क्या इसी तरह से आगे की कार्रवाई चलेगी और क्या विरोध करने से आगे का रास्ता खुलेगा, या फिर आज अभिभाषण के दौरान शांतिप्रिय तरीके से विपक्ष के नेताओं को राज्यपाल को सुनना चाहिए था। अगर विरोध हुआ तो क्यों विरोध हुआ, क्या क्या मांगे हैं विपक्षियों की, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए किसी भी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार रहेगी। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन मान्य सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने और प्रत्येक मान्य सदस्य के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे को एक सार्थक और सारगर्भित चर्चा के साथ ही उसका उत्तर देने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहेगी। 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही पहला सत्र प्रारंभ होने पर मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नितेंद्र यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, विनोद सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अंकुर सक्सेना हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं और जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नितेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, आपका पक्ष सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध आज आप ही लोगों की तरफ से किया गया। पहला तो मामला कि ये विरोध क्यों था, राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसा क्या था जिसकी नाराजगी आप लोगों को जताना बिल में आकर के सही लगा, और दूसरी चीज ऐसा क्यों लग रहा है कि आजम खान नाराज हैं और इसी वजह से वो आप लोगों के साथ नहीं आए। देखिए आज सरकार के गठन के बाद ये पहला सत्र जो सदन में बुलाया गया, सदन में अभी तक के सरकार के कार्यकाल की जो स्थिति थी जो लगातार जनविरोधी रही, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व वादे किए थे कि हम सरकार में आएंगे तो ये जन कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे, लेकिन लगातार अपने वादों से मुकरने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार ने किया। आपने कहा था कि हम आएंगे तो बिजली के दाम आधे करेंगे, लेकिन आपने बिजली के दाम आधे ना करके बल्कि बिजली को ही आधा करने का काम कर दिया। तो इस तरीके की जो घटनाएं लगातार हुई हैं, महंगाई कहां से कितनी चरम पर पहुंच गई है, मुद्रास्फीति की जो आंकड़े आ रहे हैं महंगाई के वो रिकॉर्ड बना रहे हैं। नहीं, ये तो सही है निपेन भाई, ये तो सही है कि सरकार का विरोध है क्योंकि सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन राज्यपाल का विरोध आप लोग कर रहे थे, ये कुछ समझ नहीं आया, बहुतों को नहीं समझ आया, ये क्यों उनके अभिभाषण में ऐसा क्या? राज्यपाल को सरकार, राज्यपाल दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व, सरकार का प्रतिनिधित्व तो मूल तो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के ही अधिकार तो मुख्यमंत्री और सदन को डेलीगेटेड होते हैं, सरकार तो असली राज्यपाल ही है। ये तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यपाल के अधिकार डेलीगेटेड होते हैं हमारे मुख्यमंत्री को और हमारे सदन की अन्य प्रशासनिक व्यवस्था को। तो सरकार का असली जो दोनों सदनों का नेतृत्व करते हैं, राज्यपाल जो अभिभाषण करते हैं वो असली तो सरकार राज्यपाल होते हैं, इनके अधिकार डेलीगेटेड होते हैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रियों को। आप देखते हैं जो भी शासनादेश जारी होता है वो माननीय राज्यपाल महोदय, जो सदन है ये सदन माननीय राज्यपाल महोदय का है। हम लोग जो माननीय सदस्य के दीर्घा में जाते हैं तो पांच इशु होते हैं माननीय राज्यपाल की दर्शक दीर्घा, राज्यपाल के अतिथि, लोग ये मुख्यमंत्री के नहीं अतिथि होते हैं। तो ये सरकार का प्रतिनिधित्व जो होता है, सरकार की जो मुखिया होती है वो माननीय राज्यपाल जी है, इसलिए हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, राज्यपाल का कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं। सरकार
सरकार को, राज्यपाल जी हमारे निरीक्षक हैं, हमारे परीक्षक हैं, हमारे दर्शक हैं सरकार के, उन्हीं के आदेश और निर्देश पर ही, जो भले कि हमारे यहाँ वो पर्दे के पीछे हैं, उनका लिखा पढ़ी में माननीय राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल का जो अधिकार होता है वो माननीय प्रधानमंत्री माननीय राज्यपाल मुख्यमंत्री को डेलीगेटेड होता है, और इसके द्वारा ही सारी क्रियाकलाप जो सरकारें चलती हैं उसके हिसाब से होता है। तो हमारा जो विरोध था वो कोई राज्यपाल का विरोध नहीं था, सदन के अंदर सरकार का विरोध है, और सरकार का प्रतिनिधित्व जो कर रहा है वो उसके विरोध का शिकार होगा, विरोध उसको सामने दर्ज कराएंगे, हम अपनी शिकायत वहां रखेंगे। तो सरकार ने जो कि जो वादे किए थे, हम गरीबों को कल्याण करेंगे, आज बुलडोजर अवैध रूप से चल रहा है, आज मैं लखनऊ से जब लौट रहा था भी मैंने देखा कि जो हमारे किसान होते हैं, जो ककड़ी खरबूजा तरबूजा और एक गंगा की बालू में करने का काम करते हैं, ये इनकी खेत कौन खरीदेगा, इनका फल कौन खरीदेगा, ये रोड के किनारे आकर के अपने लगाते हैं और किसान वहां से ले जाते हैं, फिर बड़ी मंडियों में जाता है, आज उनको पूरी तरीके से उजाड़ने का काम सरकार ने किया। तो जिस तरीके से कि वो बेचारे रोड के किनारे ठेला रख करके या ट्रैक्टर लगा करके अपनी गंगा की रेती से बालू से फल लाते थे, तरबूजे और खरबूजे, और वहां से अपने लोगों को, किसानों को या लोगों को बेच देते थे, उनकी रोजी रोटी थी। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के लोगों को उजाड़ देना यह सरकार की गैर जिम्मेदारी नीति है, इसका विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है। मैं आता हूं अश्विनी शाही हमारे साथ बीजेपी से। शाही साहब, नितेंद्र जी कह रहे हैं कि हम लोग ने कोई विरोध नहीं किया राज्यपाल का, हम सरकार की योजनाओं और सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन एक नारा बड़ा आज गूंज रहा था क्योंकि मैं भी वहीं पर मौजूद था, और नारा था गवर्नर गो बाइक, क्या मामला है ये? सही और नब्ज पकड़कर आपने सवाल पूछा है जी। ये आज समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिख गया। को 111 सीट दिया है यहाँ की जनता ने, इन लोगों ने उनकी भावनाओं के साथ, उन जनता उन वोटरों के भावनाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। आज सदन में इसलिए माननीय भेजे जाते हैं जनता के द्वारा कि वहां पर उनके बारे में समस्याओं को उठाएंगे, नीतियां बनाएंगे और उनके कुछ लोक कल्याण का काम होगा। माननीय नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि आप अपनी मांगों को साफ रूप से रखिए और हम चर्चा हर बात पर करने के लिए तैयार हैं। कल एक दिन पहले जो एक डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल होता है, सभी दलों के लोग एक सर्वदलीय बैठक करते हैं, उसमें आम सहमति बनती है कि सदन को चलाने दिया जाएगा। लेकिन आज क्या आफत आ गई, आज सदन का पहला और महामहिम राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण पूरा भी नहीं किया था, राज्यपाल वापस जाओ, क्या मतलब है इसका? ये समाजवादी पार्टी ही बता पाएगी, ये कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। लेकिन ये मैं कहूंगा कि संसदीय परंपरा का पूर्णतया तरीके से अपमान किया है समाजवादी दल ने, और नीतियां बनाने के लिए अभी देखिए 6 दिन का या 7 दिन का जितने दिन का सत्र है, चलता आप आराम से आते, अपनी बातों पर चर्चा करते और चर्चा करके उसका कुछ हल निकालते। पहले स्वस्थ चर्चाएं होती थी, लोग रात में 8-10 बजे तक चर्चा करते रहते थे, लेकिन आज पहले दिन इन लोगों ने, और वो क्यों किया, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो हमारे समझ में आ रहा है, समाजवादी पार्टी में आंतरिक फूट है। अच्छा, किस तरह का आंतरिक फूट? आपने आजम खाजी का जिक्र किया, देखिए किस तरीके से। आज तो आरएलडी के विधायक भी साथ में थे सपा वालों के साथ। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसी पका रहा हूँ। आज जो आ रहे हैं और जा रहे हैं कि बात हुई आजम खान आए और कब आए, जब अखिलेश जी नहीं थे, वो नहीं थे, ओम प्रकाश राजभर जो इनके ही पार्टी के वो है साथी हैं, उनके अलाइज हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अखिलेश यादव जो है अपने कांग्रेस से नहीं निकलते हैं, आवे। और आज जो किया है उसका उन्होंने आलोचना की, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो परंपरा नहीं है। इन लोगों ने आज का माहौल इतना विषाक्त कर दिया है कि अब जनता इनको देख रही है और इनका असली जो चाल चरित्र और चेहरा है वो सामने आ चुका है जनता के। आने वाले दिनों में इनको जनता बताएगी जो सपा की हुई है, सपा की स्थिति होने में देर। आरएलडी के विधायक भी आज साथ में थे, आपको नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से सत्र के दौरान हंगामा होते रहा तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी? देखिए, ऐसा आरएलडी के विधायक भी साथ में थे, आरएलडी के विधायक जो कोई भी जो आदमी इस तरीके का काम करेगा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आरएलडी का हो या कोई भी विधायक हो, वो सत्य के साथ होना चाहिए, उसको विधायक है, वो माननीय विधायक है। आज जो है
जो मुद्दे अभी हमारे सपा के साथी उठा रहे थे उस पर महामहिम ने एक कि सरकार ने पिछले सालों में कितना काम किया है, अपराध में कितनी कमी आई है, हत्या में कितनी कमी आई है, लूट में कितनी कमी आई है, डकैती में कितनी कमी आई है, हमने कितने कन्याओं का विवाह किया, कौन सी परियोजनाएं लागू की गई, कितने हेक्टेयर भूमि को किया गया, और जितनी भी परियोजनाएं थी, जितनी भी चीजें थी, कितने माफियाओं को अंदर किया गया, वो माफियाओं को अंदर किया गया और कितनी जमीन खाली कराई गई जो अधिग्रहण में थी, ये सारा आज महामहिम रखते तो इनका जो विरोध मान लीजिए कि उसमें से कुछ विषय पर था, लोग एक बोल रहे थे, मैं साफ नहीं सुन पाए लेकिन कुछ मांगा आई और ये वो कर रहे थे, तो भाई चर्चा करने से किसने मना किया है, आप चर्चा करो, उसका जवाब लो, सरकार को आप मजबूर करो कि सरकार जवाब दे, इस तरीके से सख्ती लेकर कोई नहीं होता है, इस संसदीय परंपरा का सरासर अपमान किया है समाजवादी। ठीक है, ठीक है, अंकुर सक्सेना हमारे साथ अरेली से। अंकुर भाई, शाही साहब की बात आपने सुनी कि आज कहीं ना कहीं अपमान हुआ है संसदीय कार्रवाई की, आप इस बात से कितना सहमत हैं? विरोध किस चीज का था जो शाही साहब नहीं समझ पा रहे हैं, या जो नितेंद्र भाई ने बताया, नितिन जी ने बताया, वो सही था? देखिए नितिन जी, सबसे बड़ी बात ये है कि दो बातें होती है लाइफ में, एक चीज होती है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं और एक चीज होती है कि आप समझना नहीं चाहते हैं। विपक्ष के द्वारा आज ये जो समझना नहीं चाहते हैं उसी चीज़ को जाहिर करने के लिए माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदया के समक्ष अपनी बात को रखा गया। महामहिम राज्यपाल महोदया, एक पढ़ा हुआ आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट होना चाहिए कि जिस समय राज्यपाल महोदया वहाँ पर अभिभाषण दे रही थी, तो वो राज्यपाल जो भी अभिभाषण देते हैं तो वो बाकायदा स्क्रिप्टेड होता है, लिख कर उनको दिया जाता है कि उसी भाषण को वो लोग पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में जस्ट लाइक स्पोक्स पर्सन के तौर पर वो अपनी बात को रख रहे थे, उसी उन बातों को बोला जा रहा था जिससे स्पोक्सपर्सन नहीं होता है, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ये स्पोक्समैन कैसे कह रहे हैं? शाही जी, महामहिम का अपमान मत करिए, कम से कम जो परंपरा है उस परंपरा में रहिए, सुनिए आगे मत। शाही जी ऐसा है, आपने जैसे आप पहले आधी अधूरी बात सपा प्रवक्ता की सुन रहे थे, ऐसे ही आपने मेरी बात को भी आधा अधूरा सुना है, थोड़ा स्पीकर सही कर लीजिए, मैंने पूरी बात जो कही है आप रिमाइंड करके करिएगा। मैं भी अपने शब्दों में इतनी ज्ञान और जानकारी और इतना सम्मान रखता हूं कि मुझे पता है कि मुझे किसके साथ महामहिम का प्रयोग करना है और किसके साथ माननीय लगाना है। मैंने जो बात रखी वो बात मैं उस बात पे आज भी कायम हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदया या राज्यपाल किसी भी स्टेट का होता है तो वो अपने अभिभाषण में उसी बातों को बोलता है जो बात उसको स्क्रिप्टेड लिखकर संबंधित सरकार के द्वारा दी जाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में अभी आपने कहा कि विधानसभा में विपक्ष को अपनी बात को रखना चाहिए, हम लोगों ने विपक्ष हैं, हमने अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखी, भाई विपक्ष है, हाउस चल रहा है, हाउस में अगर विपक्ष के द्वारा सम्मिलित रूप से महामहिम राज्यपाल महोदया के सामने अपनी बात को रखा गया तो इसमें बुराई क्या है? दूसरी बात, यही परिपाटी जिन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है, इसी परिपाटी का पालन भारतीय जनता पार्टी भी करती है कि जिस समय वहां हाउस चालू होता है तो वो अपनी बातों को जताने के लिए, आम जनमानस की बातों को सामने लाने के लिए वो भी इसी रणनीति का प्रयोग करती है। तो जब आप उस रणनीति का प्रयोग करते हैं तो वो आपके लिए सर्वमान्य है, सबसे अच्छी रणनीति है। जब विपक्ष के द्वारा आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आम जनमानस की भावनाओं को दृष्टिगोचर करते हुए, आम जनमानस की भावनाओं को और उनको महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर जो चाशनी में परोसा हुआ अभिभाषण है उससे मुक्ति दिलाने के लिए और जनता के सामने अपनी बात को रखने के लिए इस तरीके का किया जा रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि वो विरोधाभास है, तो ये विरोधाभासी बातें नहीं होनी चाहिए। वो तो ये भी कह रहा ना कि सपा अलायंस में फूट है और उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है। देखिए समाजवादी पार्टी अलायंस में, देखिए अंगूर कहीं लगे हुए हैं, खाने की चाहत में मुस्कुरा कोई रहा है कि अंगूर हमको नहीं मिलेंगे तो खट्टे हैं। आप कहने को कुछ कह लें, क्या माननीय आजम खान साहब आज की डेट में आपके साथ हैं? एक स्पष्ट सवाल, इस सवाल का स्पष्ट जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जानना चाहता हूं। क्या माननीय आजम खान साहब ने अपने किसी भी वक्तव्य में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बात कही? क्या माननीय आजम खान साहब आज की डेट में या उनके परिवार के किसी सदस्य ने? पूरा सवाल सुन नहीं पाया आपका। शाही साहब, अंकुर भाई ये कह रहे हैं कि क्या क्या रही है नितिन भाई इनकी? हाँ, जरा शाही साहब की आवाज सही कराई जाए जी। फिलहाल मैं बता दूं, अंकुर सक्सेना ये कह रहे थे कि क्या आजम खान साहब ने कभी आपसे कहा या बीजेपी से कहा कि हम आपके साथ हैं? क्या उन्होंने कहीं कोई ऐसा वक्तव्य दिया कि हम बीजेपी के सपोर्ट में हैं?
जो बीजेपी को ये लग रहा है कि हमारे अलायंस में या सपा में फूट है? ये सवाल कहां से उठता है नितिन भाई? नहीं, आप ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है कि आजम खान हमारे साथ है, मैं कह रहा हूँ कि आजम खान सपा के साथ नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी तो नहीं है, वो तो अपने परिवार में नहीं है। आप हमारे परिवार का मसला है तो हम अपने परिवार में उस मसले का निपटारा कर लेंगे। आप लोग उस चीज को क्यों उठा रहे हो भाई? हमारे परिवार का मसला अगर माननीय आजम खान साहब ने एक बार भी ये कहा हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से भाई आपको तो आप परिवार में घुस क्यों रहे हो विभीषण बन के? आप परिवार भी लंका विभीषण बन के क्यों आ पा रहे हो? आपको क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है? देखिए अगर माननीय आजम खान साहब ने एक बार भी ये कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की नीति नीति से मैं खुश हूँ, तब तो आप लड्डू बांटो, आप भगवा कलर के लड्डू बांटो, हम भी ग्रहण करेंगे, सब लोग ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर माननीय आजम खान साहब ने एक बार भी ये बात नहीं कही है, एक बार भी ये बात नहीं कही कि भारतीय जनता पार्टी जो देखिए शाही साहब भगवाई होता है, भगवाई होता है ना, हम लोग भी ग्रहण करते हैं, इसीलिए मैं ये आपसे बात कह रहा हूँ। तो आप उसके आप इतने प्रसन्नता के साथ में लड्डू बांटिए, पेड़े बांटिए, अगर आपके फेवर की कोई बात कही हो, उनने आपको लेकर आज तक एक बक्ता में जारी नहीं किया फर्जी में भाई। आप उन्होंने बक्ता में जारी किया चाहे नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ कि वो सपा के साथ नहीं है। अरे तो भाजपा के साथ भी नहीं है, आपको तो आंसर किस बात का? अरे भाजपा का फीवर क्यों चढ़ जाता है भाई? भाजपा का मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि भाजपा का बुखार क्यों चढ़ जाता है? पूरा जनमानस देख रहा है। ठीक है, प्लीज प्लीज, माननीय खान साहब को जुकाम हुआ, ठीक आई, भाजपा को बुखार चढ़ जाता है, उनको लगता है कि अब तो ये मेरे ही पास आएंगे, मैं ही उनके जुकाम बुखार का डॉक्टर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आजम खान साहब लोग समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जी को थोड़ा सा एक बार इनका परिचय, ये सपा के प्रवक्ता हैं क्या? आरएलडी 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 मैं गठबंधन का प्रवक्ता हूँ, आप मुझसे सवाल लाएंगे तो मैं जवाब दूंगा आपको। हालांकि नितेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। ठीक है अंकुर भाई, विनोद सिंह हमारे साथ कांग्रेस से हैं। विनोद भाई, आप लोग भी विरोध में शामिल है, क्या आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा? क्या कारण रहा, कौन सी ऐसी चीजें थी तो जो आज अच्छी नहीं लगी आप लोगों को? देखिए सवाल है सैद्धांतिक तरीके से, वैधानिक तरीके से, लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होगा और विरोध की एक संयत तरीके से, अनुशासित तरीके से विरोध इतना भारतीय जनता पार्टी नेताओं को, उनके पदाधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को नागवार गुजरेगा, तो लोकतंत्र की महत्ता, लोकतंत्र की खूबी, लोकतंत्र में बात कैसे बनेगी? सवाल ये है, बिल्कुल सभी हमारे पूर्व के साथियों ने कहा, ये प्रतीकात्मक विरोध होता है। सरकार के एजेंडे, सरकार की नीति, सरकार जो अनसुना वातावरण कर रही है, ना जनता की सुन रही है, ना नेताओं की सुन रही है। अभी पिछले दिनों डायलॉग में अखिलेश जी के सहित और नेताओं ने कहा था विपक्ष के कि कितने दिन संसद चले, पर्याप्त समय हो जिसमें खुल के सार्थक बहस हो, चर्चा हो और जनता के मुद्दे डिस्कस हो, तो उस पर भी अपने एक ही तरीके अपने रवैये के तहत इन्होंने सारा किसी की सुनी नहीं और जैसे इनकी रीति नीति उस तरीके से चल रहे थे। सवाल ये है शाही जी से, मैं इतना ही कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कोई व्यक्तिगत आक्षेप या व्यक्तिगत बात व्यंग वो राज्यपाल महोदया को नहीं कहा गया, इसको आप इस तरीके से ना पेश करिए। जनता के सवाल जनता के सभी नुमाइंदे हैं और उससे बेहतर जगह हो नहीं सकती है। आगे कार्रवाई चलेगी, आप साक्षी रहेंगे नितिन जी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री, दुर्भाग्य होता है मुख्यमंत्री अगर कोई विरोध के स्वर को जनता की बात करता तो धमकाने का काम करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर आके डराने का काम करते हैं, लाठी बुलडोजर सबका हवाला देते हैं। अरे वो चुने हुए विधायक हैं, वो सबके अपनी समस्याएं हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, चौतरफा महंगाई की मार हो, उनके अनैतिक आचरण इन्होंने बड़ी बड़ी कह दी कि नहीं सारे लोग परेशान है। अरे आप किससे जो समर्थन कर रहे हैं, आपके जो पदाधिकारी हैं परोक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रूप से मदद कर रहे हैं, उन पर तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप जिलेवार बताइए भाजपा नेताओं के, सांसदों के, पदाधिकारियों के, आरएसएस से जुड़े लोगों पर कितने आप कार्रवाई करने की हिम्मत है, तब सुशासन का आप कोई रूप दे पाएंगे। आपका केवल एक है कि सारी प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग जनता की और जनता की आवाज बनकर अगर कोई किसी भी दल से संबंधित हो, विधायक हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, कोई रिटायर अधिकारी हो, आप उसको बुलडोज करने का काम करेंगे क्योंकि आपके पास पावर है। तो इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए अगर कोई बात कह रहा है तो जवाबदेही तो बनती है सरकार की, सरकार को उसमें सकारात्मक लेना चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि
लोकतंत्र में विरोध का जो स्वर है उसका सत्ता को सत्तासीन लोगों को उसको बड़े ध्यान से धैर्य से सुनना चाहिए और उस पर अमल करके जो भी संभव उसको निजात दिलाने का काम करना चाहिए। ठीक है। सुभाष यादव हमारे साथ जनता संघ कुछ मोर्चा से। सुभाष जी, सबकी बातें आपने सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज की कार्रवाई पहले दिन की जो थी वो हंगामेदार बीती है, क्या कहेंगे? नितिन जी, मैंने सारे प्रवक्ताओं की बातें सुनी, अच्छा लगा सुन के। यहाँ पे सबसे पहले मैं नितेंद्र जी के सवाल का आना चाहता हूँ। नितेंद्र जी ने शुरुआत के अंदर ये बोला था कि इनका कोई नैतिक विरोध नहीं है महामहिम राज्यपाल जी से, वो उनके अभिभावक हैं, उनके रक्षक हैं, सब कुछ उनके हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये नितिन जी कि अभिभावक जो हैं उनके महामहिम राज्यपाल साहब, वो राज्यपाल साहिबा, वो विधानसभा सत्र का जब चालू हो रहा था तो उन्होंने अभिभाषण पढ़ा था। अब अभिभाषण जो भी रहा हो, अगर ये उनके रक्षक हैं, ये अगर उनके अभिभावक हैं, जो भी हैं, तो सबसे पहले उनका विरोध नहीं करना चाहिए। संसद का विरोध, अगर आप विधानसभा सत्र चल रहा है उसका विरोध भी कर रहे, जैसा कि विनोद सिंह जी ने बोला, एक संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर करना चाहिए, ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ उस वीडियो के अंदर शायद मेरे साथी नितेंद्र यादव जी ने ये नहीं देखा कि वहां पे बोला जा रहा था गवर्नर गो बैक, राज्यपाल वापस जाओ। तो नितेंद्र जी, आप राज्यपाल का सम्मान भी कर रहे हैं, आप उनको अपना रक्षक बोल रहे हैं, आप उनको अपना अभिभावक बोल रहे हैं, तो जब विरोध कर रहे हैं तो विरोध समझ में आता है, लेकिन राज्यपाल वापस जाओ के जो आप नारे लगा रहे हैं, ये क्या है? ये आपकी दोहरी मानसिकता को उजागर करता है। यहाँ पे जो बात आती है ना कि जैसे कि सारे लोग अभी बोल रहे थे कि वो स्पोक पर्सन है, जैसे कि हमारे अंकुश सक्सेना जी ने बोला, स्पोक पर्सन जो भी हो, चाहे वो सीएम हो चाहे कुछ भी हो, मैं समझता हूँ कि सारे इनके जो भाषण होते हैं ना, हर बड़े बड़े पॉलिटिशियन के लिखे जाते हैं, ये रैलियां वगैरह जो होती है तभी जाके ऐसे बोलते हैं, अदरवाइज इनके लिखे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि महामहिम किसी पार्टी के स्पोक पर्सन हो गए, वो एक संवैधानिक अधिकार है उनका, एक संवैधानिक पद के ऊपर है, महामहिम है, राज्यपाल है, तो किसी पार्टी के प्रवक्ता न होकर वो एक संवैधानिक पद पर, तो इस तरह के शब्दों का उनके प्रति बोलना भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि गलत है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। विनोद भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली, इस प्रकार से उन्होंने जो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो, क्या ठीक है, लेकिन नितिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था, लेकिन इस विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष के रूप में विरोधाभास अगर किसी ने किया तो सिर्फ और समाजवादी पार्टी ने और उसके गठबंधन दलों ने, कांग्रेस ने तो किया ही नहीं, कांग्रेस तो साथ थी। तो विनोद भैया फिर किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? आप तो साथ ही हैं, कम से कम उसको भी तो देखिए, कांग्रेस जिस धरने पे चल रही है, अब कांग्रेस किस तरह से मजबूत हो उसके ऊपर आपको प्रयास करना चाहिए, देखिए, ना कि आरोप लगाना चाहिए। नितिन जी, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सवाल बड़ा है, मैंने कहा कि जब सत्ता का संघर्ष बोल लीजिए, जब विधानसभा से ऐसी तस्वीरें आती हैं, तो सत्ता बनाम अदर्श हो रहा है, अदर्श में विपक्ष है, किसकी क्या हिस्सेदारी है आंकड़ों के आधार पर, या कौन ज्यादा वहां पर मुखर रहा आगे, उसके बाद मैंने मेरा प्रयास यही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अहम में चूर सरकार, तानाशाही रवैया अपनाती हुई सरकार, जनता के लिए दमनकारी नीतियों पे लगातार निरंतर बढ़ती हुई सरकार, महंगाई से और सारे जन सरोकार के मुद्दे से पूरी तरीके से विमुख सरकार, अगर उसको थोड़ी सी संवेदना हो तो किसी भी तरीके से एक जुझारू संघर्षशील व्यक्ति की, मध्यम वर्गीय हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, उसकी आवाज बनने का काम करना चाहिए। तो इसको हम अपने संवैधानिक, नैतिक, राजनैतिक समझ के आधार पर कह सकते हैं, तो बोल सकते साहब की और तो जनता की बात नहीं। और देखिए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, गो बैक ऐसा नहीं है, देखिए व्यवस्था जब नहीं सुनती है तो आप प्रतिक्रिया करेंगे, अब उसको आप मीमांसा कर सकते हैं कि कितना आदर्श स्थिति नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन जब सरकार किस तरीके से बहुमत के आंकड़े में चूर है, आप बताइए, किसी, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, किसी प्रोटोकॉल का, किसी नियम का, किसी संविधान का ये सरकार पूरा करती है, जो मन में आया तुरंत नेक्स्ट मोमेंट पे इन्होंने कर दिया। तो जब इस स्तर की मना स्थिति है सरकार के आकाओं की, तो विरोध स्वाभाविक है। इस तरीके से आपने बिल्कुल सही बोला कि सरकार का विरोध होना चाहिए, जिस प्रकार आप नौजवानों के, बेरोजगारों के, महंगाई की बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष तो दिखा, पर उस विपक्ष में कांग्रेस नहीं दिखी। कांग्रेस दिख रही है आपको, यहाँ दिख रही है, अभी दिख रही है ना, नहीं, विधानसभा की बात चल रही है, जहाँ पे आप अभी बात कर रहे हो, जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, उस जगह विपक्ष आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, इसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं। देखिए, जनता की बात होगी, विपक्ष की बात होगी, आपको कहीं ना कहीं दिखेगी। दूसरा, जिस प्रकार विरोध किया जा रहा है राज्यपाल जी का, चर्चा किस तरह से होगी? चर्चा होगी ना, आप अपनी बातों कब रखेंगे? अरे कल से पता चल जाएगा चर्चा किस तरीके से करते हैं, जनता के हित की बात होती है कि इनके मनमर्जी की बात होती है?
नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी व्यापक सुधार की बात होती है, व्यापक सुधार की बात होती है, व्यापक सुधार की बात होती है कि विरोधी नेताओं को दबाने की बात होती है, चर्चा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दों को सामने रखना चाहते हैं तो उस पर चर्चा करिए, विरोध करके तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। ठीक है ठीक है अंकुर भाई यार, नितिन जी क्या कह रहे हैं, अरे एक लाइन में नितिन जी, चर्चा कर रहे हैं, अगर चर्चा लोकतंत्र और लोकतंत्र में चर्चा की सार्थकता इनको मालूम होती तो प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी आप जैसे ईमानदार जन सरोकार के मुद्दे उठाने वाले दर्जनों पत्रकारों के सामने खुले होकर मुखातिब करते, क्या इनका रिकॉर्ड है चर्चा के बारे में, क्या लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में विरोध के शोर को कैसे मान्यता देंगे, पूरा देश साक्षी है, केवल मन मर्जी एक तरफा बात करेंगे, अपने मन की बात करेंगे, कभी जनता के मन की बात सुनेंगे, अब ये सत्ता के अहंकार में कह देंगे नहीं मुझे तो जनता ने समर्थन दिया वोट जिता दिया, तो केवल वोट जिता दिया तो आप जनता पे बुलडोज करिए, जनता का दमन करिए, सवाल तो यही है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का सिपाही, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और देश का किसान नौजवान ये होने नहीं देगा, आप सत्ता के नशे में चूर होकर जनता की मुद्दों को, जनता की भावनाओं को अनसुना नहीं कर सकते, क्योंकि आप सरकार में ठीक है, प्लीज प्लीज गफलत में मत रहिए, गलतफहमी में मत रहिए। ठीक है विनोद भाई, ठीक है नितिन जी क्या कहना चाह रहे हैं, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं सुनील जी ने जिस तरीके से बात को रखा मैं उन्हीं की बात का जवाब देना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में होती है तो वो दूसरी भारतीय जनता पार्टी होती है, जब वो विपक्ष में होती है तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी हो जाती है, ये जो विपक्ष में कहते हैं सरकार में इसका ठीक विपरीत काम करते हैं, ये एक भी जन कल्याण के काम 5 साल में सरकार में नहीं कर पाया, अभी दूसरा कार्यकाल जब इनका आया तो ये उसके ठीक उलट जो चुनाव में वादे करके आए थे कि हम जनता को ये सुविधा देंगे, अभी राशन की बात थी, 5 साल में राशन के कार्ड सरकार ने तो बनाए थे, आपने राशन वितरण कर दिया, अब आप कह रहे हैं कार्ड सरेंडर कर दीजिए, आप अपात्र हैं, आपसे 24 रुपए किलो गेहूं और 32 रुपया किलो आपसे चावल की रिकवरी होगी, आपने कहा था कि हम बिजली का बिल आधा करेंगे, आप आए तो आपने बिजली की सप्लाई आधी कर दी, आपने कहा था महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो आप आए तो आपने महंगाई को किस स्तर तक बढ़ा दिया, आज गरीब आदमी रोटी के लिए परेशान हो रहा है, रोजगार की बात आप करते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, इनका पूरा ध्यान आपके आजम खान पे लगा है, इनका ध्यान सिर्फ इसलिए आजम खान क्या है, आदरणीय आजम खान साहब 27 माह बेचारे जेल में थे, जेल से 88 मुकदमे इन्होंने उनके ऊपर लगाए, 89 मुकदमे जब कंप्लीट कर दिए तो माननीय जो व्यक्ति 27 महीने जेल था उसके ऊपर आप 4 दिन पहले मुकदमा लिख देंगे, किस बात पे आपने मुकदमा लिख दिया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया और उनको अंतरिम बेल दे दी, अब वो छूट करके घर आए हैं, बीमार थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब घर से आए, आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण करके वो चले गए, आज इतना बड़ा सदन में जो 125 विधायक दिखाई पड़ रहे थे वो इनको नजर नहीं आए, उनको एक आजम खान साहब नजर आ रहे हैं, अरे आजम खान अस्वस्थ हैं, अब वो आए कल आएंगे क्या साथ में चर्चा करेंगे नितिन जी, कल स्वाभाविक रूप से आएंगे, रात के तरीक से चर्चा हो रही है, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शाही साहब कह रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो साथ में नहीं आएंगे, कौन कह रहा है, शाही साहब कह रहे हैं, इनसे बात इनसे सुनी जी से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल वो धमकाने की भी राजनीति करते हैं ना कि अगर आप उनके साथ गए तो कहीं हम आपको फिर 2 मुकदमे और गिफ्ट में दे देंगे, तो हो सकता है ऐसा कुछ इन्होंने कहा हो, धमकाया हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, 8-5 बार विधायक 6-6 बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, आपसे पूछ करके कोई निर्णय करेंगे क्या, सुनी जी ठीक है नितिन जी, ठीक है जवाब ले ले शाही साहब से क्या कह रहे हैं, हाँ शाही साहब, आजम खान साहब आए नहीं चलिए मुद्दा है, लेकिन आपके 109 विधायक बेल में जाकर राज्यपाल गो बैक का नारा लगा रहे थे, आजम खान बाहर थे और उनके पुत्र जो एमएलए हैं वो अपनी सीट पर बैठे थे, इसको मीडिया ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया है, पूरे देश की मीडिया ने दिखाया है, उसको भी ध्यान देने वाली बात है, चलिए खैर कोई बात नहीं, आपने एक विपक्ष होने के नाते इतना मुद्दा उठाया, मैं मुद्दे से भाग नहीं रहा हूं, सरकार भाग नहीं रही है, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके इस आचरण पर चर्चा होगी कैसे, आपके तख्ती लगाने से चर्चा नहीं होगी, आप बैठिए, आप सरकार से सवाल करिए, महंगाई हो चाहे जो भी आपको लग रहा हो, आपके मुनासिब या गैर मुनासिब जो भी आपकी मांग हो, जो भी चर्चा हो, आप करिए तो सामने,
आप वो कर नहीं रहे हैं तो आप कैसे बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार की मैं घटना याद दिलाता हूं, पूरा कर लेने दीजिए, मैं घटना याद दिला दूं क्योंकि आपकी आवाज ऐसे धीमे आ रही है, सुन नहीं पाऊंगा मैं। सरकार थी दूसरा, अभी जो है इतनी इतनी जो है चीजें हो गई, भाई विनोद जी बड़े आग बबूला हो रहे थे, नितिन जी दिल्ली में एक किसान आंदोलन चल रहा था। नितिन जी सुन लीजिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ शाही साहब, नितिन जी सुन लीजिए, अभी विनोद भाई बड़े आग बबूला हो रहे थे तो इनके एक नेता जो मैं उनको राष्ट्रीय विदूषक कहता हूँ, पूर्व अध्यक्ष है इनके पार्टी के, वो ट्रैक्टर चला रहे थे बाहर, संजोग से उन्होंने वॉकआउट करने की बात की और किया भी और सदन नहीं चलने दिया, लेकिन उनके स्वास्थ्य का एक जो बिल आया ओबीसी बिल हम लोग लेकर आए, उस दिन सारा ट्रैक्टर बाहर छोड़ दिया उन्होंने और कूद के सदन में पहुंच गए। ये होते हैं स्वार्थी राजनेता, ये जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। और विनोद भाई इतना तेजी से सुना रहे थे, अरे भाई आपका रहनुमा एक विधान परिषद में और दो अपने नाम पर जीत कर आए विधानसभा में, आपके तो रहनुमा भी नहीं और आप उसमें थे भी नहीं। नहीं तो वो कह रहे हैं सड़क पर विरोध करेंगे आपका। सवाल है जनता की बात, जिस भी कैपेसिटी में जनता की बात तो जाएगी, आप करिए भाई, आपके अधिकारों के प्रति जवाबदेह सरकार को बनाया जाएगा। आपकी संख्या ज्यादा है, आपको खुली छूट तो नहीं दी जाती भ्रष्टाचार करने की, मनमर्जी करने की, असंवैधानिक कृत्य करने की। आप चर्चा करिए, हम चर्चा को तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा तक कहां चर्चा पर विश्वास करते हैं आप? तानाशाही पर विश्वास करते हैं? पूरे सवाल तो यही है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विधानसभा, तानाशाही पर विश्वास करते हैं? एक तरफा मन की बात करने पर विश्वास नहीं, करते नहीं, हैं? जनता की बात कहां सुनते हैं? तो मनमोहन जी कुछ कहते भी नहीं थे, जो मनमोहन जी ने जो देश के लिए कर दिया, देश की जनता आनंदित थी, उद्वेलित थी। अभी अब देश की जनता से पूछिए देश के हालात क्या है। ठीक है आप राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं उनको गुमराह करने में सफल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पॉलिसी फेलियर पूरा तरीके से देश साक्षी है, हर आंकड़े पे हर फ्रांस पांच देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ गए उससे मिलने, देश आपका बड़ा मजबूत हो रहा है विनोद जी, आप लोगों ने खोखला करके रखा हुआ था। आरबीआई से लेकर छोड़िए बात लेकर हर पॉलिसी में तो आप बात कर ही नहीं सकते। ठीक है अंकुर सक्सेना क्या कह रहे थे? देखिए चाहे शाही साहब हों चाहे भाई सुभाष जी हों, आप लोगों ने ये कहा कि हम लोगों ने विपक्ष ने जो भी मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों को उठाने का तरीका जो है परिचर्चा का, हमारे विरोध प्रदर्शन का तरीका गलत है, या इस तरीके का आप लोगों का कहना है। आप एक बात बताइए, विधानसभा से लेकर सड़क तक हमारे माननीय सम्मानित विधायक हैं, उसी जनता ने आपको चुना है, उसी जनता ने हमारे सम्मानित विधायकों को चुना है। जितने प्रतिनिधित्व के आधार पर अगर आप बात करते हैं तो जितने वोटर आपके क्षेत्र में हैं उतने ही वोटर हमारे क्षेत्र में हैं। तो सड़क पर अगर हम विरोध करते हैं या सड़क पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आते हैं, अभी आपने देखा होगा एसआई भर्ती के जो दरोगा भर्ती वाले बैठे थे तो उसमें 4 PM के ही पत्रकार थे, तो उनको मुकदमों में फंसाने के लिए कहा जाता है। जब हम सदन के अंदर की बात करते हैं, हमारे सम्मानित माननीय विधायकगण विपक्ष के नेतागण जब वहां पर अपना विरोध करते हैं, आपने कहा कि दोनों तरफ से चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। शाही जी आप ही की बात कोट कर रहा हूं, दोनों तरफ से चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। हम तो तैयार है भाई, तो मेरे को अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए, आप तो अभी ब्रेकअप मार दिए, मेरे को बात तो पूरी कर लेने दीजिए, हम तो तैयार हैं। तो हम भी तो अपनी बात पूरी कर लें। आज हंगामा किसने किया वो देखिए। देखिए आपने चालू कर दिया हंगामा, डिबेट पे आपको गो बैक नहीं कहेंगे, आपने हंगामा चालू कर दिया। सुनिए मेरी बात को, जब आप चर्चा परिचर्चा सुनिए, चर्चा परिचर्चा मैं अपनी बात देखिए, मैंने आपकी बात शांतिपूर्वक सुनी। चर्चा परिचर्चा जो होती है तब होती है, जैसे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो भी अभिभाषण चालू किया वो तो एक तरफा था ना, उसी पे तो हम लोगों ने जी, अरे भाई वो सरकार आप कैसे एक तरफा नहीं था भाई, वो सरकार के 5 साल किए गए कार्यों को प्रस्तुत कर रही थी, तभी तो सुनिए अब मुझे बात आप सुनी नहीं रहे, परंपरा का मैं भी उसी परंपरा के आगे की बात बता रहा हूँ आपको, आप परंपरा के आगे की बात बता रहा हूँ, आप सुनने को नहीं तैयार है, सुनिए मेरी बात को। शाही जी बीच में इंटरप्ट करने की बात नहीं है, आपने एक तरफा परिचर्चा थी, आपके द्वारा लिखित अभिभाषण को पढ़ रही थी आप महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने,
आपके द्वारा लिखित अभिभाषण को अगर परिचर्चा पड़ा है तो उसी पे तो उसी अभिभाषण में जो बातें आई हैं उन्हीं के विरोध में हमारी तरफ से नारेबाजी की गई। चैनल पे जूम करके दिखा सकता हूँ, महंगाई बेरोजगारी आसमान पर है, भ्रष्टाचार अपराध चरम पर है। आपके द्वारा लिखित भाषण के विरोध में हमारे विपक्षी दलों के द्वारा महामहिम राज्यपाल मौर्या से जो परिचर्चा की गई, एक तरफा बात जो कर रही थी उसी के विरोध में हम लोगों ने स्थिति स्पष्ट की है, स्पष्ट लिखा है, महंगाई बेरोजगारी आसमान पर, भ्रष्टाचार अपराध चरम पर। आप सिखाइए इस तरीके की बात मत करिए कि देखिए आप मत सिखाइए। देखिए यही तो दिक्कत है, यही शाही साहब यही तो दिक्कत है कि भाजपा जब विपक्ष में होती है तो उसे सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, उसे सब कुछ चाहिए, और जब सत्ता में आती है तो वो अपने आईने में नहीं देखती है कि वो कैसे नजर आ रही है। आप सत्ता में, अच्छा आपको मापदंड बताना है, चलिए आप 2024 में विपक्ष में आइएगा, हम लोग सत्ता में आएंगे तब आप ऐसा कुछ भी मत करिए। आपका असली चेहरा आ गया, आपने चैनल पे बैठ के कह रहे हैं आप बिना चर्चा के बिल पास कराएंगे, तो ये आप लोगों का असली चेहरा है। आप लोग उसके आड़ में पब्लिक को धोखा देना चाहते हैं। ठीक है शाही साहब, शाही साहब विनोद भाई कुछ कह रहे हैं। शाही जी शाही जी, पार्टियों की नहीं, पार्टियों की बात विरोध ठीक है, लेकिन आपकी बात से ये सहमत हूं मैं, आपकी बात आपत्ति इस बात पे मुझे लगता है ज्यादा है जो इन्होंने कह दिया सपा के साथी और हमारे बगल के साथी ने कि वो प्रवक्ता, तो ये बचना चाहिए इससे, क्योंकि हर पद की अपनी एक गरिमा है, मर्यादा है, और ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है। देखिए महामहिम राज्यपाल ने जो भाषण दिया है उसमें व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगना चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात उन्होंने कही है वो जस्ट लाइक उन्होंने एक, देखिए अगर मैं किसी का अभिभाषण पढ़ रहा हूँ तो मेरे को आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, आप उसका नामकरण कुछ भी कर दें भाई। आप अगर अगर कोई अभिभाषण पढ़ रहा है तो आप उस अभिभाषण को क्या कहेंगे, मैं अगर कोई चीज पढ़ के आप सुना रहा हूँ तो आप उसको क्या कहेंगे। ठीक है ठीक है, प्लीज नितेंद्र जी क्या कह रहे हैं जल्दी से पूरी कीजिए, फिर सुभाष जी के पास आता हूँ। मैं ये कह रहा था सुनील जी, बहुत देर से बड़ी नाराजगी जता रहे थे, बड़ी संसदीय परंपराओं की दुहाई दे रहे थे कि हम लोगों को बेल में नहीं आना चाहिए था। समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रही थी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इनके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और इनके नेतृत्व में पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष सदन के अंदर बेल में आके खड़ा हो जाता था, और उस समय माननीय माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनको बड़े अदब से कहना पड़ता था, अरे वाजपेयी जी आप बड़ी सीनियर पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप यहाँ आके क्या कर रहे हैं, आप जाइए जाइए सीट पर बैठ जाइए, इस तरीके की परंपरा है। आप लोग बदला ले रहे हैं क्या आज सुनी साई जी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है ये पहली बार हो रहा है कि पहली बार कोई विपक्ष जो है विरोध में आया। दूसरी बात, जो महामहिम जी राष्ट्रपति राज्यपाल जी अभिभाषण पढ़ती वो क्या पढ़ती है, सरकार की उपलब्धियां बता रही होती, वो अपनी उपलब्धियां नहीं बता रही होती कि हमने ये किया है, वो ये कह रही होती 5 साल में 3 साल में सरकार ने ये किया, सरकार का ये उपलब्धि। तो जो विपक्ष होता है वो सरकार की, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हम विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है जो सरकार गलत तथ्य देगी, झूठ बोलेगी सदन में, तो सदन का काम है, विपक्ष का कर्तव्य है कि हम उसको झूठ का उद्धार करें। अब आपको मैं बताता हूं, आप ये चर्चा कब करेंगे कि जब मुद्रा में केंद्र की सरकार माननीय अडानी जी को 14,000 एकड़ ध्यान रखिएगा, जीरो लगाइएगा, 1 रुपए स्क्वायर मीटर की दर से अलॉट कर देती है, कितने हजार अरब रुपए की जमीन हो गई, कितने खरब की जमीन हो गई, इसको जरा आप जवाब देंगे ये किसके लिए किया गया? जवाब ले लेते जवाब ले लेते शाही साहब, रोजा गांव में समाजवादी पार्टी ने अनिल अंबानी को कितने रुपए में जमीन दिया था, याद है? बिल्कुल याद है, बगल में है। तो आप ये कर रहे हैं, क्या बताइए? बिल्कुल याद है, कहाँ है? अभी सुनिए सुनिए, यही स्टेडियम बना है पीपीपी पर, 67 एकड़ जमीन समाजवादी पार्टी ने प्रिय उद्योगपतियों को अवलाइज करने में लगी है, और उत्तर प्रदेश की जनता को विरोध के हालात पर छोड़ दिया है, सारे देश को कंगाल, सारी सरकारी और सरकारी
सरकारी कंपनियों का दिवालिया निकाल दिया है। मुख्यमंत्री ने उसको ठीक है ठीक है प्लीज नहीं आप लोग प्रतिस्पर्धा न करिए कृपया सवाल पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपस में इस तरीके से प्रतिस्पर्धा न करे कौन ज्यादा उद्योगपतियों का हित ऐसी है। देखिए नितिन जी एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस को इस समय भाजपा से बड़ा प्रेम आ रहा है पर कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय इस बात को भूल गए हैं, उनको ये नहीं नजर आ रहा ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जिसने जब आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर बात उठ रही थी तो इन्हीं के लोग वहां पे सिलेंडर लेकर कि किसी इटालियन या विदेशी महिला को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे इस शब्दावली का प्रयोग करते हुए धरने पर बैठ गए थे उस समय। भाई आपको प्रेम और विरोध में अंतर नहीं प्रेम और विरोध में नहीं नहीं अर्थ है लगातार विरोध और अर्थ की बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ये जो दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आता है ये जो सॉफ्ट कॉर्नर अगर आ जाता है तो आपको यही मिर्ची भाजपा की बात में आपको लगनी चाहिए थी। यही बात आप भाजपा भाई अगर एयर कंडीशन की राजनीति करते तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो हालत और हालात है सुपड़ा साधना हुआ भाई। आप हर समय हर चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की परसेंटेज देख लीजिए कांग्रेस की परसेंटेज देख लीजिए बिल्कुल बिल्कुल आप भाजपा की लड़ाई लड़ रही है बिल्कुल बिल्कुल आप भाजपा में चले जाएंगे कोई नहीं बता सकता। कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी सही बात है भाजपा के कल्याण सिंह माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री महोदय ने इसीलिए आपके विपक्ष के सबसे बड़े नेता प्रमोद तिवारी जी के लिए स्पष्ट बात कही थी कि पता नहीं सदन में ही ये बात कही थी कि माननीय प्रमोद तिवारी जी पता नहीं कैसे हर सरकार में काम कर लेते हैं भाई। बैकफायर तो आप पे भी पड़ सकता है ना आप जब विपक्ष पर अनर्थ कर रहे हो अभी शाही जी अभी आपको शाही जी अगर आपको औपचारिक रूप से अभी डिबेट के बाद फोन करेंगे आपके नेता चले जाएंगे शाही जी क्या जल्दी से मैनेज कराओ ये आपकी पार्टी है ये अपनी पार्टी है ये कांग्रेस की पार्टी हमेशा देश में कितने दबे लड़ने देंगे और कांग्रेस भाई नितिन ठीक है प्लीज 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 ठीक है प्लीज 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 ठीक है बात आ गई आप लोगों की प्लीज थैंक यू ठीक है विनोद भाई ठीक है प्लीज ठीक 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 है प्लीज ठीक है थैंक यू आ गई बात आ गई भाई आप लोगों की प्लीज ठीक है प्लीज 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 अरे आप लोग विपक्षी हो यार आप लोगों को एक साथ लड़ना है आप लोग अकेले अकेले लड़ रहे हैं शाही साहब खुश है इसमें शाही साहब खुश है कि आप लोग एक साथ लड़ रहे हैं एक ही दूसरे से लड़ रहे हैं आप यही तो दिक्कत है इन लोगों की भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही लगता है आप अपनी पॉलिसी जनता को बता ठीक है प्लीज ठीक है सुभाष जी लगते हैं जो इनसे ठीक है अंकुर भाई ठीक है ठीक है क्या चलेंगे आपके सोकॉल्ड संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष जिनको बड़े मान मनोबल के साथ उन्होंने आरोपित लगाने का काम किया हर सीट पर आपके माधव राव सिंधिया आपने पैसे देंगे आपने टिकट मांगा क्या बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात करिए उत्तर प्रदेश की अच्छा अच्छा उत्तर प्रदेश शाही साहब का काम आसान कर रहे हैं आप लोग शाही साहब का काम ठीक है प्लीज अंकुर भाई प्लीज 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 थैंक यू प्लीज हो गया बात आ गया प्लीज 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 थैंक यू अंकुर भाई प्लीज प्लीज हाँ सुभाष जी हो गया भाई आ गई बात आ गई आप लोगों की अरे ठीक है हो गया बात आ गई विपक्षी दल तो जोड़ो ठीक है प्लीज प्लीज ठीक है थैंक यू ऐसा केंद्रीय नेता थैंक यू प्लीज 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 ठीक ठीक सुभाष जी नितिन जी विपक्ष क्या लड़ेगा मैं वही कह रहा हूँ शाही साहब पूरा खुश है इसमें ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं विपक्ष का जो हाल है जो जो जनता देख रही है जमीनी स्तर पर जो विपक्ष का हाल है वही हाल आज आपके टीवी डिबेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से देख लिया ये है विपक्ष और यही विपक्ष दम भरता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 के अंदर नेस्त नाबूद कर देंगे तबाह कर देंगे बर्बाद कर देंगे हम अपनी सरकार बना लेंगे ये विपक्ष का ये हाल है। अच्छा तीसरा मोर्चा बनाने के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल विनोद सिंह जी ने जो आरोप लगाया अंकुर सक्सेना पे कहीं ना कहीं मैं उसके ऊपर एग्री भी करूंगा क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अगर आरएलडी का देखा जाए तो एनडीए के साथ में आरएलडी शामिल थी और चौधरी अजीत सिंह केंद्र के अंदर मंत्री थे वास्तविकता ही है क्या भरोसा कल को ये लोग मिल जाए बिल्कुल जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक दूसरे के ऊपर विरोधाभास कर रहे हैं अब थोड़ा सा पीछे लेके मैं जाऊंगा हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे आरएलडी का एकमात्र जीता हुआ विधायक है वो कांग्रेस सरकार के अंदर शामिल है ये कौन सा विपक्ष है ये कौन सा विपक्ष है और विपक्ष इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर या निर्णायक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आप निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल विनोद जी बिल्कुल बिल्कुल ना समझी वाले बयान विनोद जी आप मैं बता रहा हूँ क्या ना समझी वाले बात आप मेरी बात सुन
आपके द्वारा की गई है। बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रहे हो, मैंने देखा 2017 के अंदर आप 5 पे थे, इस बार 2 पे सिमट गए उत्तर प्रदेश के अंदर। लोकतंत्र में सिर्फ संख्या नहीं मायने रखती है, लोकतंत्र के अंदर संख्या ही मायने रखती है, लोकतंत्र के अंदर संख्या ही मायने रखती है। जब अगर लोकतंत्र में संख्या नहीं मायने रखती तो फिर भूल जाइए ना, सरकार बनाने का दावा छोड़ दीजिए ना। फिर लोकतंत्र के जनता ने आपको दिखाया 2022 के अंदर, जनता ने आपको दिखाया 2024 के अंदर, आप दिखाइए। आप भी ये मत बताइए कि लोकतंत्र के अंदर संख्या मायने नहीं रखती है। लोकतंत्र के अंदर ही आपकी नाकामी है, आपकी ही नाकामी है ये। आप लोकतंत्र के अंदर बोलते संख्या मायने नहीं रखती, संख्या बहुत मायने रखती है, संख्या बहुत मायने रखती है। बताइए आप क्या 40-45 सांसद लेके आप सरकार बना लेंगे? आपका 2 विधायक लेके उत्तर प्रदेश सरकार बना लेंगे? देखा मैंने सिपाहियों को, आपके उत्तर प्रदेश सिपाहियों को देखा मैंने। आपके नेता प्रियंका गांधी चुनाव हारने के बाद में आज तक मंथन करने के लिए नहीं आए, आज तक मंथन करने के लिए आप किस बात की बात करते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता 24 करोड़ 25 छोड़ जनता देख रही, कांग्रेस के सिपाही कितने मजबूत है और कांग्रेस जनरल स्तर में क्या है, यहाँ डिबेट पर बैठ के जनता नहीं देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद देने का काम किया है जनता ने, आशीर्वाद दिया है, बिल्कुल आशीर्वाद दिया है आपको। मैं गफलत में नहीं हूँ, आप गफलत के अंदर जी, आप गफलत के अंदर है। जनता आशीर्वाद देने, जनता आशीर्वाद देगी बिल्कुल। आप लोगों का जो रवैया 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इसी प्रकार प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद देगी, आपका रवैया दिख रहा है यहाँ पे। जनता के विवेक से फैसला आया 2022 के अंदर की आप लोग 5 सीटों पर आ गए, मनमर्जी हम कहा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता दिखा रही है आपको। आप किसी छोटी मोटी पार्टियों को कोई चारा देके ले लेंगे तो जनता की हम बात नहीं करेंगे? आप डिबेट के माध्यम से क्या सेटिंग गेटिंग पूर्वाग्रह अश्विनी साहिब, ये चारा लेना और टुकड़ा लेना ये आप लोगों का काम है, ये आप लोगों का काम है विनोद जी, आप लोगों का काम है चारा टुकड़ा लेना, क्योंकि आपके नेता लोग ऐसा करते हैं, हम लोग नहीं करते चारा टुकड़ा लेने के लिए। चाहती है कि कांग्रेस जो मुखर होकर विपक्षी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है उसको इसी एनकेन प्रकार, ठीक है ठीक है, वो भारत देश की जनता देख रही है कि सरकार आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कुछ खेल हो सकता है, मैं तो कहूंगा मैं साईं जी के पास जाऊंगा, असल में कोई बहाना ना रहे तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को आप सीधे टारगेट कर दो, उनका पूरा रोल हो सकता है। नितेंद्र जी 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर साईं जी से जवाब। मुझे एक ये भी शक है, कहीं हो सकता है कल शाम को साईं जी और अंकुर भाई ने चाय ना पी हो साथ में। आपको ये शक बहुत ज्यादा आज लग रहा है, आपको ये शक लग रहा है कल इन्होंने चाय पी है साथ में, आपको भी आमंत्रण कर रहे हैं, अगर जब पिएंगे तो आपको इसलिए शायद लग रहा है आप आगे से रहे। साहिल जी सच बता दीजिए, क्योंकि क्योंकि विनोद भाई, ठीक है ठीक है, साहिल जी सच बता दीजिए, अगर हो सके तो विनोद भाई को बुला लीजिए चाय पर, ठीक है ठीक है, जनता के साथ हूं। प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है नितेंद्र भाई अपनी बात पूरी कीजिए, साहिल जी के पास चलूंगा। मैं सिर्फ अपने विपक्ष के साथियों से कह रहा हूं कि हमें अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, साहिल जी बैठे हैं सरकार से, ये जालिम सरकार है जो जन विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। अब ये सब संघर्ष सड़कों में करना है, इसलिए छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए हमें सिर्फ सरकार की तरफ मुखातिब होना चाहिए। यहाँ जो हो रहा है ऐसा लग रहा है कि शाही साहब जो कह रहे थे कि विपक्ष में फूट पड़ी हुई, ऐसा कुछ दिखा मुझे नहीं, ये शाही साहब आपको भी शायद दिखाई दिया तभी आप समझा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदैव से एक रवैया, ये तो चूंकि इनकी परंपरा है कि अंग्रेजों के जमाने से ये लोग ये काम करते आए हैं और उन्हीं के सिद्धांत पे चलते हैं, फूट डालो और राज्य करो, तो ये कभी कभी ऐसी बात छेड़ देते हैं कि जिससे लोग आपस में उलझ जाएं। लेकिन मूल मुद्दा आज का यही है कि भारतीय जनता पार्टी के आज जो सदन की शुरुआत हुई, सदन में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार के पक्ष को जिस तरीके से रखा वो झूठे तथ्य थे जो आज तक सरकार ने नहीं किए, जन विरोधी काम किए। विपक्ष का काम था कि वो महामहिम का ध्यान आकर्षित करे कि आपकी जो सरकार है ये आपको झूठे तथ्य प्रस्तुत कर रही है और जन कल्याण की। जवाब ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं, समय कम है, जवाब ले लेता हूं। शाही साहब जवाब दे दीजिए फिर खत्म करते हैं हम। नितिन जी देखिए, श्रद्धेय अटल जी ने एक लाइन कहा था, गलना होगा जलना होगा, हमें कदम मिलाकर एक साथ चलना होगा। इसको लागू करिए सदन में, सदन में कदम मिलाकर चलिए, आप बैठिए शांति से, जो सवाल आए आप करिए, गलत हो सही हो, प्रदेश के मुद्दे जो आप यहाँ गिनवा रहे हैं बैठकर, अपने नेताओं को समझाइए कि सदन में उस मुद्दों को उठाएं जिससे वहां नीतियां बनती है। मैं कहता हूँ सत्ता पक्ष को आप मजबूर करिए जवाब देने पर, आप तो सत्ता पक्ष के साथ ऐसा हो हल्ला मचाएंगे कि जन कल्याणकारी बिल जो है पास ना हो पाए, कुछ काम ना हो पाए। कह रहे कल से देखिए कल क्या होता है, कह रहे कल से देखिए कल क्या होता है, कल क्या होगा, आज आज दिख गया, पूत के पाव पालने में दिखते हैं, आज दिख गया, कल से कुछ तैयारी कर लीजिएगा। ये विनोद भाई कह रहे थे कि चाय वाई भी पी रहे हैं आप किसी के साथ। देखिए अब अंकुर जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, आज भले ही वो विरोध कर रहे हैं,
क्योंकि हम लोगों ने इनके नेता को बंगले से महरूम कर दिया था। विनोद जी की पुष्टि कर दी है, आरोप सही है, विनोद जी के आरोप सही है, संभावनाओं का खेल है, राजनीति आ जाएगा, ये समझ में आ गया, आपने पुष्टि कर दी, धन्यवाद शाही जी। ऐसा है कि जल्दी शंकर भाई देखिए, शाही जी महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। ये तो वो हैं कि हाथ में जो है अंगूर उगा लेंगे, हाथ में पेड़ लगा के आम खा लेंगे, तो शाही जी कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका कुछ भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हम लोग राष्ट्रीय लोकदल आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष में दूसरे सबसे बड़े नंबर की पार्टी है, और इस बात में कोई शक और दो राय नहीं। अच्छा, तब भी विनोद भाई आपके ऊपर नजर बनाए हुए कि आप कहां जा रहे हैं कहां नहीं। नहीं, वो देखिए उनकी उनकी मजबूरी है, अब हम सजग रहते हैं, अब वो सजग प्रेर इसीलिए देखिए विनोद भाई तो इस समय मजबूर ही है, इनकी इनको बोलने को कुछ नहीं है, तो ये सबके बीच में इंटरप्ट करेंगे, किसी की चाय पे चले जाएंगे, किसी की, ये उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्या क्या जुमले मारे हैं। हमें शक शाही जी पे भी है, उतना ही शक अपने इन पर है। नहीं, आप शक करते रहिए, आप शक करते रहिए, सरेंडर करना पड़ता है, आप केवल अभी तक कांग्रेस पार्टी को ना कभी कर पाए ना कर पाएंगे, आप शक करते रहिए, शक की दवा तो हकीम उस्मान के पास कर देते हैं कि आदमी को सरेंडर करना पड़ता है, हम अपने भाई को सरेंडर नहीं करने देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारा भाई देखिए बल हमेशा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर चाय जरूर उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनके साथ विपक्षी लड़ाई लड़ने का काम करिए हमारे साथ। देखिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों के पास इतनी सामर्थ्य और इतनी क्षमता है कि बिना कांग्रेस के सुझाव के भी हम लोग अपने बूते चल रहे हैं, और कांग्रेस के केवल आने लगी। आपने फिर पुष्टि कर दी उनकी बात, भाई पुष्टि तो करेंगे ना, हर उस बात की पुष्टि करेंगे जो जनता का फैसला है, हर उस बात की पुष्टि करेंगे जो जनता का फैसला है, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी गठबंधन जो है उसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चाहते हुए भी बीच में नहीं आ सकता देता है, अब गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी, चलिए ठीक है, आप सभी में मानूंगा, ठीक है, ठीक है सर। नितिन जी जी, बीती ताई विसार दे आगे की सुदिले, ठीक है ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत डिबेट में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सरकार दूसरे कार्यकाल का बजट सत्र का पहला दिन आज काफी हंगामेदार बीता है, और कल से अब कार्रवाई किस तरह से होगी ये भी देखना है हमें, क्योंकि विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है, जो भी चीजें आज अभिभाषण के दौरान बताई गई हैं, और अब हम लगातार आने वाले दिनों में भी इन्हीं चीजों को लेकर के सरकार का विरोध करते रहेंगे। विरोध अच्छी बात है, सरकार को उनकी कमियों के बारे में बताना भी अच्छा है, जरूरी है, लेकिन उसका एक कायदा होना चाहिए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से आपकी बात भी पहुंचे और आपका जवाब भी मिले। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।